तो फाइनली गाइज बीजमाई 3.2 की रिलीज डेट आ चुकी है। तो भाई इसके अंदर अपने को भाई बहुत ही खतरनाक फीचर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि भाई करंट अपडेट से भाई हम लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि भाई इतना लैग, फ्रेम ड्रॉप और भाई पता नहीं क्या क्या ही सीन होते रहते हैं इसके अंदर। तो भाई मेरा आईपैड प्रो भाई लैग करता है भाई, क्या बताऊँ, एंड्रॉइड की तरह करने लग जाता है। और भाई इसलिए मेरे को कभी कभी इतना गुस्सा आता है कि इसको फोड़ ही दूँ। समझ रहे हो, मजाक कर रहा था भाई, ऐसा मैं कुछ नहीं करने वाला। भाई अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लो, क्योंकि भाई इस वीडियो के अंदर भाई बीजमाई की 3.2 की सारी धांसू डिटेल्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो भाई चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना, और भाई वीडियो को पूरा देखना, और भाई एड्स भी पूरी देखना, इसको भी मत भूलना। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज। तो भाई सबसे पहले स्पॉन आइलैंड की बात कर लेते हैं। तो इस तरीके से भाई कुछ इसका इंटरफेरेंस रहेगा, ये रोबोट जैसे पता नहीं क्या है, मेगा रोबोट जैसे। तो यहाँ पे अपन मस्ती कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। तो भाई अब बात कर लेते हैं भाई स्पेसशिप की। भाई इस तरीके से एक स्पेसशिप सी आएगी, और भाई ये अपना रहेगा हॉट ड्रॉप। भाई कितना गंदा हॉट ड्रॉप होने वाला है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। भाई तगड़ी फाइट होगी भाई, मजा आ जाएगा यार, यहाँ पे खेलेंगे भाई, मजा आ जाएगा। और सबसे मेन चीज़ भाई अपना जो बीजमाई में सर्वर प्रॉब्लम है उससे भी भाई अपने को छुटकारा मिल जाएगा, सर्वर एरर नहीं रहेगा भाई। तो 3.2 की अपडेट है वो बहुत ही मस्त आने वाली है, देखो यार कितना। तो भाई इसके अंदर एक और चीज़ भाई 120 FPS भी आएगा, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा भाई। तो वीडियो पूरा देखना यार। देखो भाई इस तरीके से भाई अपन यहाँ पे गंदी फाइट करेंगे। इधर भाई देखो यार कितने सारे कवर भी है, बहुत अच्छे तरीके से अपन फाइट ले सकते हैं यहाँ पे। और गाइस हॉट ड्रॉप पे बंदों को मारने के बाद भाई अपन जोन में जा सकते हैं इसको यूज करके, और ऑटो पायलट रहेगा इसमें गेट इन होना। और भाई अपने आप ऑटोमेटिकली ही अपने इमरजेंसी पिकअप वाला वो होता है ना, उसका यूज करते हैं उसी तरीके से ये काम करेगा भाई। ये भी बहुत तगड़ी अपडेट आने वाली है। तो भाई सच्ची सच्ची बताना यार, कौन कौन इस अपडेट की वेट कर रहा है यार, प्लीज कमेंट में जरूर बताना भाई प्लीज। तो गाइस अब बात कर लेते हैं भाई ऑटो रिवाइव की। तो भाई ये अपडेट मेरे को भाई बहुत ही तगड़ा लगा यार, बंदा अकेला, मतलब जो बंदे सोलो वैसे स्क्वाड खेलते हैं तो भाई उनको रिवाइव करने वाला कोई होता ही नहीं है, और उनका रिवाइव वेस्ट चला जाता है। तो भाई ऑटोमेटिकली है ना उनको रिवाइव कर सकता है बंदा खुद ही अपने आप को, तो उसको बस एक रिवाइव वाली किट लेनी पड़ेगी, और भाई उस किट से वो अपने आप रिकॉल हो सकता है। तो भाई मेरे को लग रहा है ये बहुत तगड़ी अपडेट है। और नेक्स्ट है भाई अपनी रिकॉल वाली फ्लेयर। अब बंदों को रिकॉल करने के लिए अपने को रिकॉल टावर पे भी नहीं जाना पड़ेगा भाई, वो रिकॉल वाली फ्लेयर लेनी है और बंदों को रिकॉल कर सकते हैं भाई, मजा आ गया। और अपने पास बुला सकते हैं जब मर्जी वहाँ पे भाई, बहुत ही तगड़ी अपडेट है यार, मजा आ गया भाई। कमेंट करके बताना आप तक के फीचर्स में से आपको कौन सा वाला सबसे बेस्ट लगा। तो भाई मेरे को तो ऑटो रिवाइव वाला सबसे बेस्ट लगा भाई। इसका नेक्स्ट धातु जो अपडेट है, जो नया फीचर है, वो भाई अपने को के अंदर मल्टीपल ड्रॉप देखने को मिलेंगे। अभी करंटली भाई बीच में के अंदर तो तीन ही ड्रॉप अपने को देखने को मिलते हैं, और भाई वहीं भी बहुत तगड़ी फाइट होती रहती है। तो देखो भाई यहाँ पे भी क्या ही बवाल होने वाला है भाई, पूरा सर्वर आ जाएगा इधर। तो देखो भाई 6-7 ड्रॉप इधर मेरे को दिख रहे हैं, और भाई इन्हीं ड्रॉप्स के अंदर अपने को ये देखने को मिलेगा जेट पैक। तो भाई इसका यूज़ करके अपन भाई पूरे सर्वर में घूम सकते हैं, मतलब पूरे इरंगल में अपन घूम सकते हैं। इसके लिए भाई कोई फ्यूल वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई, मज़ा आ जाएगा यार। अब हम जोन में भी जा सकते हैं, और भाई इसकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी है यार, 70+ जा रहा है ये। तो देखो 60-70-80 तक गया भाई, इसकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी है। तो भाई अपने को फ्यूल वगैरह की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी यार, यार कितना तगड़ा अपडेट आने वाला है। बस मैं आशा करता हूँ कि भाई इसके अंदर कोई बग वगैरह नहीं आए, और पहले की तरह सर्वर एरर ना रहे। इसके बाद वाला फीचर है भाई ये मैग्नेट वाली गन। भाई इस मैग्नेट वाली गन से अपन यूज़ कर सकते हैं, और इसको यूज़ करके भाई इधर उधर आइटम्स को है ना अपन मूव कर सकते हैं, जैसे ये गाड़ी। भाई कई बार क्या होता है कि अपनी गाड़ी वगैरह है ना फंस जाती है कहीं पर, वो बग के वजह से भी, तो भाई अपन उसको निकाल सकते हैं। कई बार ड्रॉप भी ऐसी जगह पे फंस जाता है जहाँ से अपन लूट नहीं कर सकते, भाई इस तरीके से बहुत काम आने वाला है ये वाली मैग्नेट गन। तो भाई मज़े के लिए भी अपन इसको यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। तो भाई क्या बात है यार, तगड़ा अपडेट है वास्तव में, सच में। बस मैं आशा करता हूँ इसके अंदर ज़्यादा वो है ना रिवाइव वाला ऑप्शन ना दे, मतलब ज़्यादा रिकॉल वाला ऑप्शन ना आए इसके अंदर, एक दो रिकॉल ही बहुत होते हैं भाई, क्योंकि गंदी आदत पड़ रही है भाई इसकी वजह से। तो गाइस जब बात कर लेते हैं 120 FPS की, तो गाइस बीजमाई के अंदर आएगा कि नहीं आएगा वो पता नहीं, लेट हो सकता है, बट पबजी के अंदर अपने को 120 FPS अपने को देखने को जरूर मिलेगा। तो भाई 120 FPS से तो भाई तगड़ा गेमिंग एक्सपीरियंस अपने को आएगा भाई, बहुत स्मूथ चलेगा अपना बीजमाई। तो देखते हैं कब तक आता है अपने बीजमाई के अंदर 120 FPS।